कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विधायकों द्वारा पत्र लिखने पर नेताओं और विधायकों का करणी सेना ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। जावरा में करणी सेना की नगर इकाई द्वारा आरक्षण हटाने की मांग को लेकर और आलोट विधायक मनोज चावला सहित अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने पर राष्ट्रपति को पत्र लिखने पर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायकों को आने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कड़ी चेतावनी भी दी है। सूची में आरक्षण को डालने के लिए जो भी लोग लेटर अपने अंदर से दे रहे हैं, उस लेटर के विरोध में आज हमने पुतला दहन किया है, जिसमें सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक मनोज चावला, रामलाल मालविया और महेश परमार हैं, जिनने भी लेटर अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नवी सूची में आरक्षण डालने के लिए दिए हैं। अभी तक उसके लिए करणी सेना एंटी नेशनलिस्ट संगठन नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारी प्रांतीय पार्टी उभर के आ रही हैं प्रदेश में, देश में, करणी सेना का भी एक रोल हो सकता है इस उपचुनाव में, ये ध्यान रखा जाए। शासन और प्रशासन के किसी भी अधिकारी को करणी सेना के विरुद्ध कार्रवाई करने के पहले सोचना। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।